एक तुम्हें आला सतगुरु, एक तुम्हें आला। सभी समाधान में चरण पीठ का दस स्नान कराते हुए एक तुम्ही आधार की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तथा नियमित रूप से उनका मार्गदर्शन, उनकी कृपा, उनका स्मरण, उनका अनुशासन बनाए रखते हुए चरण पीठ से उनकी शक्ति धारा कल से अनुप्राणित होते चलेंगे। आइए इसी भावना सहित चरण पीठ की स्थापना बाबूजी अम्मा जी के माध्यम से अमुक स्थान पर हो रही है, उनकी पूजा यही पर हम सब लोग भावना पूर्वक समर्पित करते हैं। अक्षत पुष्प लें, शीघ्रता करें, अक्षत पुष्प लेकर गुरु जी का ध्यान करें। चरण पीठ उसी सामने वाले कटोरे में रख दीजिए, ऐसे रखिए सीधा, मतलब उनका उस तरफ हो, अंगूठा पूरब की तरफ हो, अंगूठा पूरब की तरफ हो, पूरब दिशा में, पूरब पूरब दिशा में घुमा दीजिए, पूरब और घुमाइए, ठीक। अब आपने अक्षत पुष्प लिया, गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि गुरुजी पधारें। ओम नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यशवांगमृतम हन्ति विषम संसार संज्ञकं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में छोड़ दीजिए, स्नान कराइए, जल स्नान। एक एक बाल्टी पानी ले आइए, एक बाल्टी अभी अभी केवल 5 मिनट। तपयामि ध्यायामि चरण पीठ किसी अन्य स्थान पे, भस्मी तो पर्याप्त, किसी अन्य स्थान पे स्थापित करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा होती हुई करके इन चरण कमलों को यज्ञ में बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं। हाथ में लें और भगवान जी भस्म स्नान करें, ऐसा भाव निवेदन मंत्र पूरा होने पर स्नान करें। ओम प्रसद वस्मनां योनिं पश्य पृथ्वी मग्ने सर्वं सृजमत्र विश्वं ज्योतिष्मान् पूर्णराशदः। स्नान करें। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पश्य स्नानं समर्पयामि भस्म स्नानान्ते मृत्तिका स्नानं। मिट्टी है, मिट्टी है क्या आपने पास? नहीं है तो कोई बात नहीं, जो चीज नहीं है उसके लिए कोई बात नहीं, जो चीज है उसको स्नान कराते चले। गोमय माने गोबर है, गोबर से स्नान करें। ओम मानस्तो के थोड़ी सी मिट्टी लाना, वो गमले में है जो कमला जी पदम समूढ़ पागम सुरेश स्वाहा। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मृत्तिका स्नानं समर्पयामि। गाय का दूध है तो निकाली, गोदुग्ध स्नानं। ओम आप्यायस्व सुमेतुते विश्वतः सोम वृष्णयं भवा वाजस्य संगते। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। दुग्ध स्नानं समर्पयामि। गौमूत्र है क्या जो उपलब्ध हो बताते जाएंगे, गौमूत्र और गोबर से स्नान कराएंगे। ओम
चतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गोमूत्र स्नानं समर्पयामि। गोमय स्नानं गोबर से स्नान करें। ओम मानस्तो केतनये मान आयुषी मानो गोसु मानो अश्वे सुरीरिषः मानो वीरान रुद्रमाभिनो बधीरमिन्तः शतमित त्वाहवामहे। गोमय स्नानं समर्पयामि। दधि होगा। ओम दधिक्रावणो अकार संजीष्णो रस स्वभाजिनः सुरभिनो मुखाकर प्रण आयुग्यं सितारिषत। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते घृत स्नानं। घी होगा। ॐ घृतं घृत पावानः पिबत वशाम्बसा पावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा। दिशा प्रदिश आदिशो विदिश उदिश्यो दिगभ्यः स्वाहा। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते सर्वौषधि हल्दी स्नानं। हल्दी है अम्मा जी। हल्दी है क्या? कारितायते चरण पादुका प्राण प्रतिष्ठा होते हुए ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वौषधि हल्दी स्नानं समर्पयामि। हल्दी स्नान के बाद भगवान जी को शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। हल्दी स्नान से संपूर्ण रूप से शुद्धता आ जाती है। ओम शुद्ध बालः सर्व शुद्ध बालो मणिवालस्त आश्विनः श्वेता श्वेताक्षोरुणस्तये रुद्राय पशुपतये प्रणायामा अवलिप्ता रौद्रानुभोरूपाः पर्जन्याः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि। अब देखिए इसके बाद पुनः भस्म से स्नान कराएं। शुरू में भस्म से स्नान कराया था और बाद में हाँ देखिए पट्टे के ऊपर कोई पीला कपड़ा बिछाइए। कपड़ा यहाँ रखा है। हाँ पीला कपड़ा। चरण पीठ की और प्राण प्रतिष्ठा होते हुए पट्टे पर स्थापित करके पुनः अक्षत पुष्प लें और गुरु जी का ध्यान